लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है, उसके बाद इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए था कि तमिलनाडु में एक बहुत चर्चित मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री अपनी सीधी बातचीत रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जो पाक स्ट्रेट है, उसमें पूरी दूरी करीबन 40 किलोमीटर की है। भारत की सीमा से अंतिम छोर से मेनलैंड से 19 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा द्वीप है, जो कि कोई 300-350 एकड़ का द्वीप है, कचात्वी द्वीप, जिसको लेकर अब जबरदस्त राजनीति छिड़ गई है। और यह राजनीति इसलिए छिड़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत ही अग्रेसिव है। उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा है बल्कि डीएमके पर भी इतना करारा वार किया है कि अब विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या कहें और कैसे कहें। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अग्रेसिव अंदाज में इस मुद्दे को उठाया है। एक द्वीप है कच्चा थीवू, अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। कच्चाथियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं वो निराधार नहीं है। दरअसल एक आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई। कच्चाथियों के ऊपर तमिलनाडु के बीजेपी के चीफ के अन्नामलई ने एक आरटीआई दायर किया था। इसका जवाब आया है और इस जवाब के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी अग्रेसिव तरीके से तमिलनाडु की राजनीति में इस बात को प्रखरता से सामने रख रही है। इस आरटीआई में क्या बताया गया अब आपके सामने है। इस आरटीआई में सबसे पहले यह सामने रखा गया कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान श्रीलंका के साथ एक समझौते के आधार पर इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह समझौता हुआ था। 1974 में द्विपक्षीय बैठकों में यह तय किया गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच जो मरीन टाइम बाउंड्री है उसे इस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, उसे इस तरीके से डिमार्केट किया जाएगा कि तकरीबन 2 माइल से कच्चाथीव द्वीप श्रीलंका के खाते में चला जाएगा। इस समझौते से पहले भारतीय पक्ष ने कुछ शर्तें रखी थी। ये शर्तें थीं कि भारतीय पक्ष को, यानी कि भारतीय मछुआरों को और भारत के लोगों को इस द्वीप पर जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी, उन्हें किसी वीजा या किसी भी तरह के पासपोर्ट के दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर नेवल एक्सरसाइजेस के जरिए अगर भारत को कभी मदद की जरूरत पड़ती है और यहां पर भारतीय सैनिकों को उतारने की जरूरत पड़ेगी तो उस पर भी कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। इस द्वीप पर श्रीलंका और भारत दोनों अपने अपने हिसाब से चीजों को इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखा गया था कि अगर इस इलाके में खुदाई या किसी भी अन्य तरीके से तेल का उत्सर्जन पाया जाता है और समुद्री सतह में जो तेल होता है अगर वो निकालने की स्थिति आती है तो उसका बंटवारा इस आधार पर होगा कि जिसकी जितनी सीमा क्षेत्र के भीतर इस द्वीप के एरिया को आता हुआ पाया जाएगा उसके आधार पर तेल का बंटवारा होगा। और यह बताया गया था कि यह भारत के पक्ष में होगा। लेकिन जब भारत और श्रीलंका के संबंध तमिल इलम को लेकर हल्के खराब हुए थे उस वक्त श्रीलंका ने इस द्वीप पर किसी भी भारतीय के आने पर रोक लगा दी थी। कच्चाथीव द्वीप पर मौजूदा परिस्थिति में अब कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय मछुआरा नहीं जा पाता, जो कि 1974 के भारत और श्रीलंका के बीच के संबंधों और करार के आधार पर देखा जाए तो अनुचित है। यहां पर भारत ने अपने अधिकारों को खोया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कच्चाथीव को लेकर जो निशाना साधा है वो अपने आप में इसलिए भी कारगर है क्योंकि भारत अगर अपना हक छोड़ता है तो भारत अपनी संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाता है।
क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्तमान पार्टी के मुख्यालय से आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही उसका सार आपके सामने है। लास्ट 5 ईयर्स इन द पार्लियामेंट इन द कंसल्टेटिव कमिटी वी हैव रिपीटेडली दिस इशू कच्छतीव इशू एंड द फिशरमैन्स इशू हैज बीन रिपीटेडली रेस्ड बाय वेरियस पार्टीज बाय ऑल पार्टीज आई वुड से एज आई मेंशन्ड इन पार्लियामेंट इट हैज कम अप एज पार्लियामेंट क्वेश्चन इट हैज कम अप इन डिबेट्स It has been raised in the consultative committee. And in fact, Chief Minister of Tamil Nadu has written to me numerous times. And my record shows that to the current Chief Minister, I have myself replied 21 times on this issue. So please understand, this is not an issue which has suddenly surfaced. This is a live issue. It is an issue which has been very much debated in Parliament. In Tamil Nadu circles as well. It has been the subject of correspondence between the union government and the state government. And as I said, 21 times I have myself replied to letters. Videsh Mantri S. Jayashankar ka ye bayan apne aap mein bahut mahatvapurn isliye hai, kyunki ye vivad aaj ka nahi hai. Is vivad ki shuruaat azadi ke pehle se hui thi. 1991 में सबसे पहले इस पर पूरी बातचीत की गई थी और उसके बाद लगातार भारत और श्रीलंका के बीच इसे लेकर बातचीत का दौर चला था। उसके बाद 1961 और उसके साथ साथ 1967 में इस पूरे मामले पर विस्तृत बातचीत तमिलनाडु के सरकार के साथ हुई थी। दरअसल तमिलनाडु की सरकार ये चाहती थी कि कच्छातीव पर, चूंकि ये भारत के बहुत नजदीक पड़ता है, सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है तमिलनाडु के अंतिम छोर से, तो ऐसे में कच्छातीव पर भारत का पूरा आधिपत्य होना चाहिए और ग्रेटर तमिल इलम के आधार पर या उस परिकल्पना के आधार पर भी कच्छातीव भारत का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। इस विवाद को लेकर उस वक्त के विदेश सचिव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के बीच में त्रिपक्षीय बातचीत तकरीबन 5 साल तक चली थी और इस 5 साल के दौरान यह तय पाया गया था कि कच्छातीव के इस पूरे इलाके को अगर भारत जबरन अपने पास रखने की कोशिश करता है, क्योंकि श्रीलंका इस पर काफी अड़ा हुआ था, तो फिर भारत और श्रीलंका के बीच संबंध खराब हो सकते हैं, जो कि भारत उस वक्त नहीं करना चाहता था, लेकिन यह विवाद का विषय बना रहा। 1974 से लेकर 1975 तक इस पर बातचीत हुई। पहला समझौता 1974 में हुआ जो कि पूरे तरीके से कार्यान्वित हुआ 1976 में। 1976 के बाद 1977 से लगातार इस पूरे मामले पर तमिलनाडु की जो गृह राजनीति यानी कि राज्य की राजनीति है उसमें वाद विवाद होता रहा था। तमिलनाडु की हर राजनीतिक पार्टी का यह पहला मकसद होता था कि कच्छातीव पूरे तरीके से भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए और इसके लिए जो भी पार्टी वायदा करती थी उसका यही कहना होता था कि केंद्र सरकार पर वो दबाव बनाएगी ताकि केंद्र सरकार कच्छातीव को भारत का हिस्सा डिक्लेयर कर सके। ये मामला आज का नहीं है, यह मामला बहुत पुराना है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर लगातार बात होती रही थी। अब जरा कच्छातीव के आपके बेसिक्स आपके सामने रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 235 एकड़ का यह छोटा सा टापू है। यह एक वॉल्केनिक टापू है जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। 14वीं शताब्दी में यहां पर एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिसके बाद यह टापू का निर्माण हुआ था, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है। मूंगे की चट्टान और रेत की वजह से बड़े जहाज इसके आसपास से नहीं गुजर सकते। इस कच्छातीव द्वीप पर मंदिर और चर्च की स्थापना भारत की आजादी से पहले से की गई थी। जाहिर सी बात है, यहां पर लोगों का आना जाना बना रहता था। रामेश्वरम से कच्छातीव 19 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि श्रीलंका के जाफना से यह मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि सारा खेल 40 किलोमीटर से भी कम में सीमित है। भारत और श्रीलंका के बीच पार्क स्ट्रेट में मौजूद ये कच्छातीव का जो प्रांत है, ये रॉबर्ट्स पार्क 1755-1763 तक महाराष्ट्र मद्रास का रहा था और उसके आधार पर इसे भारत का हिस्सा माना गया था। लेकिन इसे लेकर श्रीलंका ने हमेशा अपना दावा रखा था, यहां तक कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भी। दशकों तक भारत ने इस टापू को अपना माना, लेकिन 1974 में श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध के आधार पर इस टापू पर से अपना पूरा दाव भारत ने छोड़ दिया था।
1913 तक इस द्वीप पर रामनाथपुरम साम्राज्य का शासन था। अंग्रेजों ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल किया था। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों के ने इस पर अपना अपना दावा रखा और उसके बाद आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर 1974 तक इस पर दोनों देशों के बीच में कई बार बातचीत हुई थी और 1974 में आखिरकार इसे एक समझौते के तहत सेटल किया गया था, जिसमें भारत ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत का जो मरीन टाइम लाइन है वो कच्चाथीव द्वीप से 2 माइल पहले ख़त्म होगा। जी हाँ, सिर्फ 2 माइल पहले भारत ने अपनी मरीन टाइम बाउंड्रीज को यहाँ पर ख़त्म किया था, जिसके आधार पर कच्चाथीव पर अधिकार श्रीलंका का बना था। हमने आपको जैसे पहले बताया, यहाँ पर चर्च और उसके साथ साथ मंदिर पहले से बने हुए हैं और तमिलनाडु की विधानसभा ने कई मरतबा इस प्रस्ताव को पारित किया है और केंद्र सरकार को भेजा है कि कच्चाथीव को भारत के साथ मिलाया जाना चाहिए। 2008 में उस वक्त के मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट से इस समझौते को रद्द करने की मांग की थी। यहां तक कि 2023 में मौजूदा मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस द्वीप को वापस भारत में शामिल करने की मांग रखी। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मुद्दे को हवा दी है, तो जाहिर से बात है अब यह चुनावी रणनीति के आधार पर एक बड़ा मसला बन गया है। और ऐसे में जिस पार्टी ने कच्चाथीव द्वीप को भारत में शामिल करने की गुहार 2023 में लगाई थी, डीएमके, उस पार्टी ने ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के सामने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया घमासान है और इस घमासान से बहुत कुछ होता दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जब कांग्रेस पर यह प्रहार किया गया तो कांग्रेस ने इस मुद्दे से अपने आप को बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच हुए समझौते में 116 गांव और कस्बों को भारत ने बांग्लादेश को सौंपा, जबकि 66 कस्बे ही बांग्लादेश से भारत ने अपने पक्ष में लिया। 17,000 एकड़ विवादास्पद था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें से 7,000 एकड़ भारत ने अपने पास रखा और 10,000 एकड़ भारत ने बांग्लादेश को दिया। इस मुद्दे को अब कांग्रेस हवा दे रही है। था बांग्लादेश और भारत वर्ष में वार्ता। जयशंकर जी, आप विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप प्रधानमंत्री थे, क्या ये नहीं सही कि 7,000 एकड़ जमीन लेके आपने 17,000 भारत माता की मुख्य भूमि उनको सौंपी और पारित कराया, तो ये 10,000 एकड़ का जवाब कब देंगे आप? है कोई जवाब आपके पास? तो पहले अपने दामन में जो सामने है, आज सत्तारूढ़ दल है, पहले उसका जवाब दे। इतिहास में क्या हुआ उसका जवाब कई चुनाव में जनता दे चुकी है। तमिलनाडु की पीड़ा इसलिए आज आपको हो रही है, तमिल साहित्य के खिलाफ जब आप बोलते थे तब नहीं, तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब नहीं, चिंता थी क्योंकि चुनाव सामने है।